आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा है कि मैं अपने फेस पे कौन सा क्रीम यूज करती हूँ चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, चेहरे पे ब्राइटनेस लाने के लिए। तो मैं घर का बना हुआ क्रीम यूज करती हूँ। यही क्रीम की रेमेडी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी जो मैं फेस क्रीम यूज करती हूँ वो क्रीम आप अपने घर पे बना पाओ और उसका फायदा उठा पाओ। क्योंकि ये क्रीम आपके चेहरे पे ब्राइटनेस तो लाता ही है, एक फेयरनेस क्रीम की तरह काम करता है जो आपके स्किन टोन को लाइट बनाता है, ब्राइट बनाता है, आपकी रंगत को निखारता है, साथ ही आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, आपके स्किन पे बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं लाता है, आपके स्किन को मुलायम बनाएगा। जब आप अपनी स्किन को टच करोगे तो आपको अपनी स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट लगेगी, आपके स्किन की ड्राइनेस को भी दूर करेगा, साथ ही आपके चेहरे पे बहुत ही बढ़िया वाली शाइनिंग लाएगा, ग्लो लाएगा। ये वाली रेमेडी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। यही क्रीम मैं बहुत टाइम से यूज करती हुई आ रही हूँ, आप रिजल्ट देख सकते हो, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। मैंने इसे बहुत टाइम तक यूज किया है, उसी के बाद मैं आपको ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया लेकिन बहुत ही इजी सी रेमेडी है ये फेयरनेस क्रीम की। एज अ फेयरनेस क्रीम यूज कर सकते हो, एज अ नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हो, एज अ डे क्रीम भी यूज कर सकते हो, एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो, मतलब कि ऑल इन वन क्रीम है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आपको ये वाली फेस क्रीम किस तरीके से रेडी करनी है और किस तरीके से अपने चेहरे पे इस्तेमाल करनी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्किन केयर वीडियोस जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारे ही स्किन केयर वीडियोस आप तक पहुँच पाए, तभी आप वो वीडियोस देख पाओगे और उसका फायदा उठाकर अपनी स्किन का बेस्ट वर्जन हासिल कर पाओगे, अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना पाओगे। तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर स्किन केयर। तो ये फेस क्रीम रेडी करने के लिए पहले आपको एक बेस क्रीम चाहिए होगा, जिसके लिए मैं यूज करती हूँ बेबी जॉनसन का जो क्रीम आता है वो, क्योंकि बेबी जॉनसन क्रीम बिल्कुल केमिकल फ्री होता है और सेफ टू यूज होता है, बच्चों के लिए बना हुआ होता है, इसीलिए हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि फायदा पहुंचाता है, स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो आप अपना फेस क्रीम रेडी करने के लिए बेस क्रीम की तरह बेबी जॉनसन का क्रीम यूज कीजिए, छोटी सी ट्यूब ले लीजिए, इस तरीके से मिलती है, उससे आपका फेस क्रीम रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास बेबी जॉनसन क्रीम नहीं है तो आप नेविया का जो क्रीम आता है वो यूज कर सकते हो, या फिर एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हो। एलोवेरा जेल आपको प्लांट वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि हम क्रीम रेडी करने वाले हैं, आपको मार्केट में जो रेडीमेड एलोवेरा जेल मिलते हैं वो यूज करना है, क्योंकि हम ये फेस क्रीम रेडी करने के बाद स्टोर करने वाले हैं, ताकि जब भी फेस पे इसको आपको अप्लाई करना हो डेली ही अप्लाई करना है, इसीलिए आपको एक ही बार में ये बनाकर स्टोर करना है, जिसके लिए आप प्लांट वाला एलोवेरा जेल यूज नहीं कर सकते हो, मार्केट वाला कीजिएगा। अगर आपके पास बेबी जॉनसन क्रीम हो वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, तो वही लीजिएगा, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो 5 चम्मच जितना क्रीम ले लेना है। इसके अंदर जो पहली चीज़ आपको मिलानी है वो है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर यानी कि संतरे के छिलके का जो पाउडर आता है, आसानी से मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, या फिर घर पे भी आप संतरे के छिलकों को सुखा कर उसे पीस कर उसका पाउडर बना सकते हो। तो आपको आधी चम्मच जितना ऑरेंज पील पाउडर लेना है। दूसरी जो चीज़ मिलानी है वो है कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी ना हो तो आप किचन वाली हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो। हल्दी आपको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी की यूज़ करनी है, ताकि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा येलो कलर ना आ जाए, हल्का सा ही आपको क्वांटिटी रखनी है हल्दी की। हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, आपकी स्किन टोन को वाइटन करती है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिंपल के निशान रह गए हैं, तो उन दाग धब्बों को भी हटाती है। अगर आपको धूप की वजह से कालापन हो गया है तो वो कालापन हटाएगी, आपके चेहरे पे निखार लेके आएगी। सेम ऑरेंज पील पाउडर यानी कि संतरे के छिलके का पाउडर जो होता है, ये भी आपकी रंगत को निखारता है, मतलब आपकी स्किन टोन को वाइटन बनाता है, ब्राइटन बनाता है। साथ ही संतरों के छिलके के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी स्किन पे ग्लो लाने का काम करता है, आपके चेहरे पे चमक लाएगा।
मतलब कि आपकी स्किन को शाइनी बनाएगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लगता है। तीनों चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो आपको 5 चम्मच जितना क्रीम लेना है, आधे चम्मच जितना ऑरेंज पील पाउडर लेना है और आधे चम्मच जितना ही टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का यूज़ करना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। प्रॉपरली इसको 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि प्रॉपरली सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरीके का कलर आपको चाहिए, इस तरीके का कलर आपकी क्रीम का होना चाहिए, लाइट येलो सा कलर। अब इसे आपको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है, आपके पास पहले से कोई भी बॉटल खाली हो क्रीम की उसके अंदर भर लीजिए या फिर कोई प्लास्टिक की बॉटल के अंदर भर लीजिए, जिसमें भी आप स्टोर करना चाहो, लेकिन एयर टाइट होना चाहिए। अब कोई भी एयर टाइट कंटेनर में सारी क्रीम को आपको भर लेना है और उसके बाद इसे स्टोर करके रख देना है। आपको डेली ही ये वाला क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, हर रोज़ यूज़ करना है, डेली वेयर के लिए है। इस क्रीम को मैं बहुत टाइम से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। इस क्रीम के रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन टोन ब्राइट होगी, आपके चेहरे पे ग्लो तो आएगा ही, लेकिन अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है जैसे कि डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ जो हो जाती है चेहरे पे, और साथ ही टैनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में भी टैनिंग होती है, बारिशों के सीज़न में भी टैनिंग होती है, क्योंकि सिर्फ धूप की वजह से ही कालापन नहीं आता है, हवा में जो पॉल्यूशन होता है, इम्प्योरिटीज़ होती है, डस्ट होती है, उसकी वजह से भी आपके चेहरे पर कालापन आता है, जिसको रिमूव करने के लिए आपको एक बढ़िया क्रीम चाहिए होता है, जिसे हमने अभी रेडी किया है। ये बहुत ही बढ़िया क्रीम है, इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो ये वाली क्रीम ज़रूर से ट्राई कीजिए। ऑल स्किन टाइप के लिए ये क्रीम है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने ये वाला फेस क्रीम किस तरीके से रेडी किया है, किस तरीके से प्रिपेयर किया है। अब ये फेस क्रीम आपको कौन से टाइम पे यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर मैं इस क्रीम को रात के टाइम पे यूज़ करती हूँ। रात के टाइम आपकी स्किन रिलैक्स होती है, पूरी रात आपकी स्किन रिपेयरिंग मोड पे होती है, तब कोई भी चीज़ आप अपने चेहरे पे अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन इसको बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब करती है और उसके फायदे आपको जल्दी से जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी स्किन केयर आपको रात के टाइम में ही करनी चाहिए। तो मैं भी ये वाली फेस क्रीम रात के टाइम में अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ। लेकिन इस क्रीम को फेस पे लगाने से पहले आपको अच्छे से फेस वॉश से अपना चेहरा धो लेना है, ताकि आपके स्किन पे दिन भर की जितनी भी पॉल्यूशन इम्प्योरिटीज हो वो ना हो, मेकअप किया हो तो वो भी क्लीन हो जाए, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि ये क्रीम आपके स्किन के डीप लेयर तक पहुंच पाए। तो पहले अच्छे से फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद ये फेस क्रीम अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लीजिए, डॉट डॉट करके अप्लाई कीजिए और फिर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए ताकि आपकी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो। मसाज की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी होगा, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। तो अच्छे से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज कीजिए, उसके बाद ऐसे ही क्रीम को पूरी रात के लिए अपने फेस पे रहने दीजिए। इसको आप रेगुलरली डेली यूज़ कर सकते हो, अगर आप दिन में यूज़ करना चाहो तो दिन में भी यूज़ कर सकते हो, एज अ डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाली रेमेडी अच्छी लगी होगी फेस क्रीम की, जरूर से ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वीडियो भी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, तभी तो आप वो वीडियोस देख पाओगे। तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून।